सर मेरे कंपनी ने 2 साल का एग्रीमेंट किया है एंड हम कंपनी कितने दिन बाद चेंज कर सकते हैं? तो ये कमेंट्स जो हमें किया है ये जॉन मोहम्मद हैं, ठीक है, जॉन मोहम्मद साहब ने ये कमेंट्स किया है। तो मैं उनको बता दूं कि आपका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, अगर आपको कंपनी कोई प्रॉब्लम करती है आपके साथ वो आप क्या करेंगे, पहले 2 साल का कर दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन अब जो है चेंज जो है आप वीज़ा कर सकते हैं 1 साल के बाद। फिर 18 महीने का किया, फिर इन्होंने 16 महीने का किया, अब इन्होंने 12 महीने का कर दिया, यानी कि आप 12 महीने बाद अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहे कितने भी साल का हो। लेकिन एक शर्त है इसमें, जब आपको कंपनी कोई प्रॉब्लम करती है आपके साथ तभी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बोलेगी कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों चेंज दें आपको, जब हमें जो एग्रीमेंट हमने किया था वो हर एक हम पूरी फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं तो कंपनी आपको चेंज नहीं करेगी। लेकिन हाँ, कंपनी अगर वो फैसिलिटीज़ आपको नहीं दे रही है जो एग्रीमेंट में किया था तब आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके के कमेंट्स जो हैं हम कमेंट्स बताएंगे, उनके रिप्लाई देंगे। और आज है संडे और हम हर बार की तरह इस बार भी पहले जैसे हम कमेंट्स का रिप्लाई किया करते थे हर वीडियो में, इस तरीके से नहीं, बल्कि अब हर एक संडे में हम कमेंट्स बॉक्स बनाया करेंगे, कमेंट सेक्शन बनाया करेंगे। तो ये हमारा पहला कमेंट सेक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम लाते हैं बहुत ही रोचक वीडियो, बहुत हेल्पफुल वीडियोज़। और देखिए, इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, एक जो है हमारी ऑनलाइन मैंने वीज़ा चेक करके बताई है, दूसरा जो है मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम कंपनी में फ्री जॉब्स ढूंढ सकते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, ठीक है। तो मैं आपका खुशामदीद करता हूँ असली न्यूज़ 110 में आप सब लोगों का। तो प्लीज़ बने रहें हमारे वीडियो के साथ। अब हम अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ को चलेंगे। तो हमारा दूसरा जो कमेंट्स है, अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, भाई बहरीन का वर्क वीज़ा कितने दिनार में मिलता है? देखिए मैं आपको बता दूं, बहरीन का वर्क वीज़ा जो है वो 130 बीडी में मिल जाता है, ठीक है, 130 बीडी में वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारा एक कमेंट्स हैं जो याकूब शेख हैं, वो करते हैं डाउनटाउन कंपनी WLL, ये बहरीन कंट्री में कैसे कंपनी है बताओ ना प्लीज़ हेल्प मी। देखिए इसकी वीज़ाएँ मैंने भी डाली थी, ये कैसी कंपनी, ये कंपनी तो नहीं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर इस कंपनी में आप वाइट कॉलर जॉब के लिए जा रहे हैं जैसे एज़ अ सिविल इंजीनियर, सुपरवाइज़र या फोरमैन, तो ठीक है, ठीक है, तो ठीक आपका रहेगा। लेकिन अगर आप लेबर में जा रहे हैं या किसी ट्रेड में जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप इस कंपनी में सोच समझ कर जाएं, ठीक है, थोड़ा सोच समझ कर जाएं। वैसे ये कंपनी जो है, मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। देखिए वैसे किसी कंपनी के बारे में बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसकी फ्री जॉब्स निकली हुई हैं, अभी आप फ्री में भी जा सकते हैं इसमें जाना चाहें तो। एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत गुड कंपनी भी है, लेकिन गुड किस के लिए, जो वाइट कॉलर जॉब है उनके लिए, ट्रेड वालों पर ये बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं, लेबर पे बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भर भर के ओवर टाइम मिलता है। इसमें सबसे पहले दिक्कत जो है आपको सैलरी प्रॉब्लम 100% होगी। दूसरी, एकोमोडेशन इसका ऐसा है कि जैसे झोपड़पट्टी होते हैं उसमें डाल दिया, ठीक है, तो आप एकोमोडेशन के बारे में भी बिल्कुल भूल जाएँ कि आपको अच्छा एकोमोडेशन मिलेगा या अच्छा आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी आपको सही देंगे, ये ठीक ठाक देंगे, लेकिन मैं आपको यही बता दूँ, सैलरी प्रॉब्लम होगी। इसमें जो है, या लगा लो आपके 100 बंदे आते हैं हर महीने और हर महीने 100 बंदे जाते हैं इस कंपनी से, इस तरीके के इस कंपनी के हाल है। और अभी हाल में क्या हुआ, इसने एक बंदे बुलाए थे, तो मैं बताऊंगा, कुछ पाकिस्तानी थे कुछ इंडियन थे, तो उन्होंने करा किया, वो पहले से ही प्लानिंग करके आए और वो एयरपोर्ट पर से ही भाग गए, ठीक है। वो लोग कंपनी के जो कंपनी की गाड़ी आई उनको लेने के लिए, कंपनी वाले को तो मिले नहीं, लेकिन वो भाग गए बहरीन से ही। उन्होंने क्या किया होगा, वीज़ा स्टैम्प उनकी हो गई, वीज़ा स्टैम्प होने के बाद अब उन्होंने 2 साल अब वो आराम से कमाएंगे, उनके पहले से ही सेटिंग हुई होगी, वो वहाँ से निकल गए। अब LMRA ने क्या किया, अब जब उधर LMRA में मेडिकल उनका नहीं हुआ तो अब उन्होंने क्या किया, मैं आपको बता दूं कि CPR जो होता है, ठीक है, CPR उनका ब्लॉक कर दिया, यानी अब मैं आपको बता दूं 3 महीने के लिए जो है बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बिल्कुल कोई वीज़ा नहीं निकल पाएगी, कोई वैकेंसी निकल नहीं पाएगी डाउनटाउन कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा एक अगला कमेंट्स है सर, शटडाउन जॉब को विजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म जॉब में चेंज कर सकते हैं,
क्या इन बहरीन में। देखिए, अगर कोई एजेंट आपसे बोला है कि आप विजिट वीज़ा ले लो, विजिट वीज़ा पे मैं भेज दूंगा, मेरी गारंटी है वहाँ पर 100% वर्क वीज़ा हो जाएगा, तो समझ जाओ कि वो बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सबसे पहले तो वहाँ की वीज़ा बहुत आसान है निकलवानी, बहरीन की वीज़ा कोई परेशानी नहीं होगी, वर्क वीज़ा पे ही जाएं। अगर आप अपने पास से विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं तो आप विज़िट वीज़ा पर जाएं, विज़िट वीज़ा पर आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। आप ख़ुद वहाँ पर कोशिश करेंगे विज़िट वीज़ा पे, तभी आपका वहाँ पर जॉब होगी लॉन्ग टर्म के लिए, आप खुद चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई एजेंट बोल रहा है तो आप बिल्कुल भी ना जाएं। उसके बाद हमारा एक अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कोई वर्क वीज़ा है क्या आपके पास? अगर कोई जॉब है तो मुझे बताएं, मैं बहरीन आना चाहता हूं जॉब के लिए, मुझे ईमेल एड्रेस भेज दो। मैं आपको बता दूं भाई, देखिए मेरे पास बहरीन, कुवैत, दुबई, ख़तर बहुत सारी जॉब्स होती हैं, लेकिन वो सब पेड होती हैं, ठीक है, क्योंकि कंसल्टेंसी चार्ज होता है और कुछ HR को भी चार्ज जाता है, तो मैं तो इसमें बीच में कुछ भी नहीं लेता। लेकिन हाँ, ये हेल्प कर देता हूँ कि जो कुछ अच्छे वर्क होते हैं उनका मैं एम्प्लॉय करा देता हूँ लोगों के लिए, थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह लगा कर। और जो मेरा ईमेल आईडी है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, MOHDASGHAR2798@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो उसके बाद एक हमारा अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहरीन आपके पास कोई वर्क वीज़ा? देखिए, ये दो तीन बार इन्होंने हमें कमेंट्स किए हैं, मैंने इनको बता दिया है। इसके बाद जो है हमारा एक अगला कमेंट्स है, थैंक यू फॉर चेकिंग माय वीज़ा, नाउ आई कैन फॉलो अप। तो थैंक यू मेरे भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और देखिए, ACR पासपोर्ट में इमिग्रेशन का कितना ख़र्चा आता है, मैं आपको बता दूँ ACR पासपोर्ट में इमिग्रेशन का कितना ख़र्चा आता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो एजेंट लोग लेते हैं वो 20,000 से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन जो इसकी हद है वो 5,000 से 8,000 रुपये होती है, ठीक है, 5,000 से 8,000 रुपये में इमिग्रेशन हो जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद भी करा सकते हैं बहरीन के लिए इमिग्रेशन। तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट संडे इसी तरीके के सारे कमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई के लिए। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।